सो गाइस, तो आजकल मेरे पास एक्सटेंडेड रिलेटेड बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं, सर मैं एक्सटेंडेड रिलेटेड कहाँ से डाउनलोड करूँ, एक्सटेंडेड रिमिक्सेस कहाँ से डाउनलोड करूँ। तो आज हम इस रिलेटेड बात करने वाले हैं। आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कमर्शियल इंग्लिश के लिए कौन सी वेबसाइट्स हैं, कौन सी पेड वेबसाइट है या कौन सी फ्री वेबसाइट है जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या कोई बॉलीवुड के लिए भी कोई वेबसाइट है एक्सटेंडेड मिक्सेस के लिए, एक्सटेंडेड रिमिक्सेस के लिए, एडिट्स के लिए। तो आज हम इस रिलेटेड बात करने वाले हैं। इसके अलावा यदि नहीं है तो आप किस तरह से एक्सटेंडेड एडिट बना सकते हैं, इसके लिए कौन से हमारे पास सॉफ्टवेयर आते हैं, ऐप आते हैं, तो हम इस रिलेटेड भी आज बात करने वाले हैं। सो गाइस, तो जो भी एक्सटेंडेड एडिट का यूज़ करता है अपनी पार्टीज में, लाइव सेट में, तो उसको यह वीडियो देखनी चाहिए। इसके अलावा जो भी एक्सटेंडेड एडिट यूज़ करना चाहता है, अपनी पार्टी प्ले करना चाहता है, उनको भी यह वीडियो देखना चाहिए। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टीजनेस, स्वागत है। आप इस वीडियो को देखिए, इससे आपको हेल्प मिलने वाली है। सो सबसे पहले हम यह बात कर लेते हैं एक्सटर्नल एडिट, डीजे एडिट्स होते क्या हैं, क्योंकि बहुत सारे बिगनर डीजे उनको नहीं पता होगा, तो हम शुरू से शुरुआत करते हैं। तो गाइस, क्या होता है, जैसे कि हम कोई भी सॉन्ग हमारे पास है, अब आपको पता है हमें मिक्स करना है दो सॉन्ग को, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे कि हमारे पास एक्सटर्नल एडिट होते हैं, मतलब कि हमारे पास इंट्रो में भी 8 बीट, 16 बीट या 2 फ्रेज, 4 फ्रेज, जिस टाइप से भी आप बोलते हैं, उस टाइप से हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा होंगे मिक्स करने के लिए, तो हम बोल सकते हैं एक प्रकार से हम इजीली मिक्स कर पाएंगे। सो इसी कारण बहुत सारे लोग एक्सटर्नल एडिट का यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास इंट्रो में भी खाली बीट्स भी रहती हैं, साथ में आप बोल सकते हैं थोड़ी रिलेटेड भी रहती हैं और इजीली मिक्स भी कर सकते हैं। तो जैसे कि स्ट्रक्चर कैसा रहता है स्टैंडर्ड एडिट का, तो आप यह समझ लीजिए 2 फ्रेज हैं, वह हमारे मिक्स के लिए हो गए, फिर ट्रांजेक्शन के लिए 1 फ्रेज हो गया, और लास्ट में आउट्रो के लिए भी हमारे पास 2 फ्रेज हो गए। तो कुछ इस तरह से हमारा बोल सकते हैं एक्सटेंड एडिट होते हैं, जिसे हम डीजे या बोल सकते हैं कोई भी जो प्रोड्यूसर है वह बनाता है बेसिकली। और यदि इनके नाम के बारे में बात करें, तो हमें कैसे पता लगे कि ये एक्सटेंडेड एडिट है, तो सबसे पहले तो वहाँ पे एक्सटेंडेड लिखा आ जाएगा। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर डर्टी क्लीन या डर्टी इंट्रो, क्लीन आउट्रो, क्लीन इंट्रो, कुछ इस टाइप के भी आपको लिखे देखने को मिल जाते हैं। तो आप समझ लीजिएगा ये एक्सटेंडेड एडिट है, डीजे एडिट है। तो चलिए हम देखते हैं अब हमारे पास कौन कौन सी वेबसाइट होती हैं जिसमें हम एक्सटेंडेड एडिट, डीजे एडिट डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कमर्शियल इंग्लिश के जो हमारे सॉन्ग्स हैं उनकी वेबसाइट देख लेते हैं। और तो सबसे पहले हम पेड वेबसाइट के बारे में बात करेंगे। तो पेड वेबसाइट में आपको कौन कौन सी वेबसाइट देखने को मिलती है, तो ऐसी बहुत सारी, जैसे कि बीट सोर्स, डीजे सिटी, डीजे पोल, पीपीएम सुप्रीम। अब इनकी कॉस्ट अलग अलग है, आपको मैं एक एक करके नहीं बताऊंगा कि किसकी कॉस्ट क्या है, आप जाकर सर्च करेंगे तो आपको और इजीली समझ में आएगा। बट जो मेन चीज़ें मैं वहाँ डिस्क्राइब कर देता हूँ, तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे लगी हुआ है कि आप डाउनलोड नहीं कर सकते, जैसे कि आपने डाउनलोड किया और आपने आपके हार्ड डिस्क में रख लिया, उसको कहीं भी कर लिया यूज़, उसके बाद प्ले किया, ऐसा आप नहीं कर सकते, आप ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हो। अब बेसिकली इसका मतलब क्या है, तो जैसे कि आपने कोई भी सॉन्ग डाउनलोड किया, तो बेसिकली आप जैसे कि देख सकते हैं, जैसे कि आपको स्पॉटिफाई या बहुत सारी जगह आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा, तो आप वहीं पर डाउनलोड करके और आपकी जो डीजे सॉफ्टवेयर है वहाँ पर आप प्ले कर सकते हो। उसके लिए आपको कोई नेट की जरूरत नहीं है जब आप ऑफलाइन डाउनलोड कर लोगे। बट गाइस, आपसे कहना चाहता हूँ, दूसरी चीज़ हमें यहाँ देखने को मिलती है, यह भी कुछ कुछ सॉफ्टवेयर पर ही अवेलेबल है। तो जब भी आप ऐसी चीज़ देखें, तो आप यह चेक कर लें कि जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं वह कॉम्पेटेबल है या नहीं है। इसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है जानने वाली, वह यह है कि किसी किसी वेबसाइट पर जो पेड है उसमें आप 1000 सॉन्ग ही डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि बीट सोर्स की बात करें, तो वहाँ पर आप 1000 सॉन्ग ही ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हैं और प्ले कर सकते हैं। तो इसका अल्टरनेटिव क्या है, फ्री ऑप्शन क्या है? तो गाइस, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जैसे कि बात होती है, यह हमारे पास पेड वेबसाइट है, अब जो इन्होंने ओरिजिनल बनवाए हैं सिर्फ इसी वेबसाइट पर है, तो वहाँ तो आप कहीं से डाउनलोड नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने यह जो सॉन्ग्स हैं यह और कहीं डाले ही नहीं है। बट जैसे कि बात आती है बीटपोर्ट की या यूट्यूब की, वहाँ पर भी बहुत सारे एक्सटेंडेड रिमिक्सेस हैं, वहाँ पर भी, जैसे बीटपोर्ट में भी बहुत सारे एक्सटेंडेड मिक्स देखने को मिल जाएंगे, तो वहाँ के सॉन्ग आप डाउनलोड कर सकते हैं। या बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर आपको एक्सटेंडेड मिक्स देखने को मिल जाएंगे, तो वहाँ के सॉन्ग आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आप माई फ्री MP3 म्यूजिक जो वेबसाइट है उसका यूज़ कर सकते हैं, और आपको वहाँ पर 99% सॉन्ग देखने को मिल ही जाएंगे। इसके अलावा ऐसा नहीं कि वहाँ पर सॉन्ग खराब देखने को मिलेंगे, वहाँ पर भी आपको हाई क्वालिटी सॉन्ग ही देखने को मिलेंगे, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं आपकी पार्टी में। मुझे लगता है वह बहुत अच्छी वेबसाइट है। तो आप क्या कर सकते हैं, यदि आपको कोई भी पेड वेबसाइट का सब्सक्रिप्शन प्लान नहीं लेना है, तो बेसिकली आप क्या कीजिए, कोई सॉन्ग लीजिए, उस सॉन्ग को जो मैंने वेबसाइट का बताया है उस पर डालिए। तो उसमें क्या होगा, आपके पास जितने भी रिमिक्सेस होंगे जो भी ओपन सोर्स में, वह आपको देखने को मिल जाएंगे। एक्सटेंडेड मिक्स होंगे तो वह आपको देखने को मिल जाएंगे, डीजे एडिट होंगे तो वह आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बेसिकली आपको सुनना है, और सुनने के बाद यदि अच्छा लगे तो उसे डाउनलोड कर लेना है। मुझे लगता है बहुत अच्छे अच्छे रिमिक्सेस आपको ओपन सोर्स में ही देखने को मिल जाएंगे, रिमिक्सेस अच्छे सोर्स अच्छे देखने को मिल जाएंगे। तो बेसिकली आपको सर्च करना है, आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, सर्च ज़्यादा करना पड़ेगा, सॉन्ग को ढूंढना ज़्यादा पड़ेगा, बट मुझे लगता है तब भी आपको
अच्छे सॉन्ग देखने को मिल जाएंगे, तो आप यह सारी चीज़ें कर सकते हैं। सो गाइस, तो अब बात आती है बॉलीवुड की। कोई बॉलीवुड के रिलेटेड कोई पेड वेबसाइट है क्या जो एक्सटेंडेड एडिट इस टाइप की चीज़ें बनाती है? तो गाइस, मुझे अभी तक तो कोई भी ऐसी वेबसाइट देखने को नहीं मिली है, बट आप क्या कर सकते हैं? तो कुछ ऑप्शन है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले, यदि आपको एडिट चाहिए तो आप कोई रिमिक्सेस देखिए, क्योंकि रिमिक्सेस में भी आपको उसी तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। शुरू में खाली बीट इंट्रो के लिए, लास्ट में आउट्रो के लिए खाली बीट, तो आपकी जो नीड है उससे आप पूरी हो सकती है, जिससे आप बहुत इजीली मिक्स भी कर पाएंगे, उसका ट्रांजिशन लगा के चेंज भी कर पाएंगे सॉन्ग को। तो आप एडिट की जगह आप रिमिक्सेस देखिए। अब यदि मुझसे पूछेंगे वेबसाइट के बारे में, तो इस पर मैं एक पूरा ही वीडियो बना चुका हूँ, तो आप यहाँ जाके वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा और क्या ऑप्शन है हमारे पास? तो गाइस, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप अपने खुद के एक्सटेंडेड एडिट भी बना सकते हैं, क्योंकि डीजे एडिट बनाना आपको इतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ऐसा नहीं कि आपको पूरा प्रोडक्शन का नॉलेज आपको होना चाहिए, तो आप बहुत इजीली आप बना सकते हैं यदि आप थोड़ी चीज़ें सीख लेंगे। तो यदि आपको डीजे एडिट बनाना सीखना है, एक्सटेंडेड एडिट बनाना सीखना है, तो आप यह वीडियो देख सकते हैं। या बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है, सेराटो स्टूडियो वगैरह बताया है मैंने, और कैसे आपको किस तरह से डीजे एडिट बना सकते हैं वहाँ भी बताया है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसके अलावा, यदि आप रिकॉर्ड बॉक्स यूज़ करते हैं, तो रिकॉर्ड बॉक्स 6 में भी आपको एडिट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आप वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं और डीजे एडिट बना सकते हैं, एक्सटेंडेड एडिट बना सकते हैं। तो यदि आपने रिकॉर्ड बॉक्स 6 का प्लान ले रखा है, तभी आप उसे यूज़ कर पाएंगे, बट यदि आपने प्लान नहीं ले रखा, तो आपके लिए वह पेड है, आपको उसके लिए प्लान परचेस करना पड़ेगा। बट यदि आप रिकॉर्ड बॉक्स यूज़ नहीं करते हैं, आपको पेड प्लान परचेस नहीं करना है, तो आप सेराटो स्टूडियो उसका ही यूज़ कर सकते हैं, वहाँ बिल्कुल फ्री है, फ्री में ही आपका काम हो जाएगा। उसमें आप प्रो वर्जन भी परचेस कर सकते हैं, बट यदि आप बिगिनर हैं, आपको कुछ परचेस नहीं करना है, तो आपका फ्री में भी काम हो सकता है, तो आप वहाँ वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। सो गाइस, मुझे लगता है इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी, और जितनी भी एक्शन एडिट्स रिलेटेड पूरी प्रॉब्लम थी, मुझे लगता है आपकी यहाँ पर कवर हो गई होगी। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है, आपको किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर पूछ सकते हैं। यदि आपका वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक कर सकते हैं, दोस्तों भी शेयर कर सकते हैं। और गाइस, मैं आपसे पहले कहना चाहता हूँ, इसी वीडियो बनाने बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो जो भी आपके फ्रेंड है उनको यह वीडियो जरूर सेंड कीजिएगा, जिससे उसे भी फायदा होगा, और जो अपने चैनल की रीच है वहाँ भी ज़्यादा होगी। और इस तरह की कंटेंट देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे मेरी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचते रहे। थैंक यू।